मैं चाहता हूं कि एक सैयद के जरिए से ही कुछ लफज उर्दू के सुना दूँ सैयद, और वो सैयद जो हज़रत सैदना पीर मेर अली शाहेब रहमत के हम असर थे गौसल मुहकिन कतबल आरारफीन हजरत सैदना कुतुब अली शाहेब बुखारी खुद सा उनकी तस्वीर की ज्यारत भी मैं करा देता हूं ये हैं सैयद मगर रवाफिज के लिए वबाले जान थे अपने अहद में पीर महल सिंदीलियां वाला शरीफ वहां इनका मजार है एक बात इन्होंने सैयदों के नाम भी लिखी है शायद वो आज के मौका के लिए लिखी हो शायद के तेरे दिल में उतर जाए सैयद की बात ये सफर नंबर पांच सौ चार पर है पता नहीं नहीं ये ख्याल क्यों आया था सैदों के लिहाज से कहते हैं कि फिर क्यों आपको ऐसा अंधा बनाया यानी उस जमाने में जो सैयद कहला के सैयद और थे दूसरी धड़े की तरफ जाने वाले तो लंबा पैरा है मैं कहते हैं कि फिर क्यों आपको ऐसा अंधा बनाया कि और तो क्या अपने बुजुर्गों का भी मजहब और तरीका आपको नजर ना आया अपने बुजुर्गों का मजहब और तरीका आपको नजर ना आया और ना कभी उनकी कहीं किताब और कलाम का मुलाजा फरमाया ना कभी उनकी कहीं किताब और कलाम का मुलाजा फरमाया कहते हाँ अगर इन अपने बुजुर्गों की बुजुर्गी पर आपको एतबार नहीं या उनके मजहब और तरीके को आप अच्छा नहीं समझते तो फिर अगली बात उनकी उनसे है होवा हुआ यानी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं कहते हैं तो फिर किस मुंह से आप सैयद बनकर उनकी औलाद कहलाते हो कि उनका लिखा हुआ तो मोहतबर नहीं तुम्हारे नजदीक फिर किस मुंह से फिर किस मुंह से आप सैयद बनकर उनकी औलाद कहलाते हो बहरहाल ये वो सैयद ही कह सकते हैं जिस मौका पर उन्हें कुछ सैयदों से कहना पड़ा तो ये कहा कि जब बुजुर्गों की तरफ नस्बत करते हो कि हम फलां के पोते हैं फलां के पड़ हैं तो जो उन्होंने लिखा हुआ है किताबों में वो मानो तो फिर दावेदार भी बन जाओ